पावई मैया पर चढ़ाई गई भिंड जिले की सबसे बड़ी चुनरी। जी हां, भिंड की सबसे बड़ी 51 मीटर लंबी विशाल पैदल चुनरी यात्रा आज तालवाले हनुमान जी मसूरी माँ शाकंभरी देवी से प्रारंभ हुई और बैंड बाजों के साथ पावई माँ के दरबार में महाराज प्रद्युम्न जी एवं सैकड़ों भक्तों द्वारा श्रद्धा आस्था के बीच चढ़ाई गई। नवरात्रि पर्व नवमी के अवसर पर आज भिंड के इतिहास में सबसे बड़ी चुनरी पावई मैया पर चढ़ाई गई। इस 51 मीटर लंबी पैदल यात्रा में मसूरी के आसपास के लगभग 2 दर्जन से अधिक ग्रामीणों क्षेत्रों से आए मैया के सेवकों के द्वारा धूमधाम से बैंड बाजों की धुन पर नाचते हुए मैया के पावई मैया के दरबार तक ले गए। जैसे ही मंदिर पर पहुंचे तो भक्तों का दृश्य देखने लायक था। मैया के जयकारों से गूंज गया पावई मैया का प्रांगण। हर भक्त के जुबान पर बस पावई मैया की जयकारों के लगाए गए जयकारे। आज नवमी पर 1 लाख से अधिक श्रद्धालुओं ने मैया के दर्शन किए। जिसने भी इस लंबी चुनरी यात्रा में जो भी भक्त शामिल हुआ तो सभी ने एक सुर में कहा कि शायद अभी तक के इतिहास में इतनी बड़ी चुनरी पावई मैया को ना उड़ाई गई हो, पहली दफ़ा एक करिश्मा हुआ है। वैसे कई बार 4-5 फुट की चुनरी मैया को पूर्व में उड़ाई गई हो। मंदिर के महंत ने बताया कि पहली बार पावई मैया पर इतनी बड़ी चुनरी ताल वाले हनुमान जी मसूरी के महंत प्रद्युम्न जी के द्वारा 51 मीटर की चुनरी मैया को उड़ाई गई। महाराज जी से जब इस चुनरी के उड़ाने के बारे में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि जब मैंने शाकंभरी देवी की स्थापना तालवाले हनुमान जी मंदिर के प्रांगण में कराई थी तभी मन से ख्याल आ गया था कि मैया के दरबार से पावई मैया तक एक विशाल पैदल चुनरी लेकर जाएंगे और मैया को उड़ाएंगे। आज मेरी मनोकामना पूर्ण हो गई। ये सब कुछ मैया की कृपा से ही हुआ है, मेरा इसमें तनिक भी कुछ नहीं है। इतना जरूर है कि इस कार्य को करने में 400-500 भक्तों की बड़ी सेवा रही, जिन्होंने 9 दिवसीय हर दिन शाकंभरी देवी पर मैया की सेवा की, जिन्होंने इस पूरे कार्य को 9 दिन तक लगातार किया और आज नवमी पर एक विशाल चुनरी को पैदल बैंड बाजों के साथ पावई मैया तक ले गए और मैया को अर्पण की। पावई मैया जिला मुख्यालय से 25 किलोमीटर दूर पावई माता मंदिर का इतिहास करीब 1000 वर्ष पुराना है। इस मंदिर का निर्माण 11वीं शताब्दी में गुर्जर प्रतिहार राजाओं ने कराया था, ऐसा इतिहासकार बताते हैं। वहीं भक्त माता को देवी करौली की छोटी बहन के रूप में भी पूछते हैं। मानता है कि माता केला देवी के दर्शन के बाद अगर पावई वाली माता रानी के दर्शन नहीं किए तो श्रद्धालुओं की यात्रा अधूरी मानी जाती है। मुगल काल में बादशाह औरंगजेब ने इस मंदिर को हमले के दौरान तोड़ दिया था। परिसर में खंडित प्रतिमाएं आज भी हमले को महाराज आज पावई वाली माँ के दरबार में 51 मीटर के लगभग लमसम चुनरी जो चढ़ाई गई है, ये मन में कैसे ख्याल आया आपको? कहाँ से ऐसा लगा कि हम माँ के दरबार में ये चुनरी इतनी बड़ी तादाद में भक्तों के साथ चढ़ाएंगे? ये हमारे जो है हनुमान जी और शाकंभरी महामाई की जो हमने प्रतिष्ठा कराई वहीं से हमको एकदम प्रेरणा हुई अचानक कि माँ के पास इतनी लंबी चुनरी ले जाना चाहिए जो अभी तक माँ पावई वारी पर गई ना हो और हम सभी भक्तों के द्वारा पदयात्रा से शाकंभरी माई ताल वाले हनुमान जी ग्राम मसूरी से हम चुनरी माँ पावई वाली पर चढ़ाने के लिए ले गए। महाराज कितने लोग कितनी संख्या में चुनरी लेके गए? 51 मीटर की लमसम कितने लोग उसको लेकर पदयात्रा के साथ पावई के दरबार में पहुंचे? करीबन 250-300 लोग तो होंगे जो चुनरी को सभी लोग पद यात्रा से लेकर के गए। ये कहाँ से यात्रा प्रारंभ हुई और कहाँ तक गई माँ? ये यात्रा जो है अपनी मसूरी ताल वाले हनुमान जी पर जो शाकंभरी महामाई का मंदिर बनाया गया है वहाँ से लेकर के माँ के पास ये चुनरी ले गए थे मसूरी से पावई। महाराज नवरात्रि में माँ शाकंभरी देवी पर क्या क्या आयोजन हुए थे? यहाँ दुर्गा पाठ और 9 दिन अखंड हवन रात दिन का और 9 दिन की रामायण चल रही है और जवारे भी और माँ की चुनरी। महाराज दशहरा पर भी भव्य आयोजन एक होने जा रहा है, दशहरा मिलन समारोह, हाँ। उसकी रूपरेखा क्या है महाराज? दशहरा हमारा जो है प्रमुख त्योहार है, वैसे तो हम इसको ये कहेंगे
कि भारत वर्ष के लिए प्रमुख त्योहार है, जिसे हम विजय दशहरा के रूप में मनाया जाता है। आज हम जैसे गणतंत्र दिवस मनाते हैं, ऐसी हमारी परंपरा में त्रेता युग से विजय दशहरा मनाया जा रहा है। इस पावन धर्म को हम जो है कई सदियों से, कई युगों से मनाते आ रहे हैं, इसलिए इसको एक दूसरे से मिलने का, सर्वस्व प्रेम फैलाने का ये त्यौहार है, इसलिए हम इसको कल मंगलवार है व्यापक रूप से मना रहे हैं आप। और सभी लोगों को आमंत्रित करके हम जो है, कितनी संख्या में महाराज इस मिलन समारोह में, दशहरा मिलन समारोह में आने की संभावना है? कम से कम 50 गांव से ऊपर हमने आमंत्रित किया है। सूचना सभी को 50 गांव को सूचना कर दी गई है, और भी सूचना करेंगे। इसका उद्देश्य क्या है महाराज इस मिलन समारोह का? पूर्व में भी इस मंदिर पर हुआ है कि पहली दफा इस प्रकार का? इस मंदिर पर पहली बार हो रहा है, और इसका उद्देश्य यह है कि हम भगवान श्री राम जी का, जो हमारे आने वाली पीढ़ी भूलती ही जा रही है कि विजय दशहरा है क्या, ये दशहरा का महत्व क्या है, इसमें हम संसार की बुराइयों को, जैसे रावण को भगवान ने परास्त किया तो रावण एक बुराई थी, तो हम बुराइयों को मारें और अच्छाइयों को ग्रहण करें, जो हमारे राम जी ने इस पावन धरा भूमि पर आकर के अवतार से अपनी मर्यादा का बांधन किया, इसलिए हम जो है इसमें कुछ समाज को मर्यादा का संकेत देना चाहते हैं इस दशहरे के द्वारा। अच्छा, क्या नाम है महाराज? महाराज श्री महंत पृथुवन।